हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक स्टनिंग पार्टी मेकअप लुक के बारे में जो बिगनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मेकअप करना एक आर्ट नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज, हम अपने फेस को वेट वाइप से साफ करेंगे, अच्छी तरह साफ करेंगे, कोई भी डस्ट नहीं रहना चाहिए। एंड लेंस लगाने का सबसे इजी तरीका गाइज देख लीजिए आप, तब अपनी मॉडल को बोलिए कि वो एक साइड में देखे एंड जो व्हाइट वाला पोर्शन है आप उस पर लेंस अपना ड्रॉप कर दीजिए। सबसे पहले गाइज, स्किन प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा और मेकअप को स्मूथ बनाएगा। सो गाइज, अगर हमारी स्किन बहुत ऑयली है तो हम जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करेंगे। देन गाइज, हम यूज करेंगे लिक्विड कंसीलर का। लिक्विड कंसीलर गाइज बहुत सारी कंपनीज के आते हैं एंड आप फॉरएवर 52 का ले सकते हैं, मैं फॉरएवर 52 का ले रहा हूँ। कंसीलर बहुत तरीके के आते हैं गाइज, ऑरेंज कंसीलर भी आता है जो कि डार्कन एरिया पे लगता है, बट हम स्किन टोन कंसीलर लगा रहे हैं। मर्जिंग ब्रश का यूज करते हुए हम अपने कंसीलर जो हमने फेस पे अप्लाई किया है उसको मर्ज करेंगे एंड जितना भी हमारा डार्कन एरिया है जो स्किन टोन से मैच नहीं हो रहा है सिर्फ वहाँ पे ब्लेंड करेंगे। देन हम यूज करेंगे फॉरएवर 52 का बेस पैलेट से कंटोरिंग, क्रीमी कंटोरिंग करेंगे। एक परफेक्ट फेस की शेप हमें देनी है तो उसके लिए हमें कंटोरिंग भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। सो नोज की भी कंटोरिंग हमें उसी तरीके से करनी पड़ेगी। मर्जिंग ब्रश का यूज करते हुए गाइज, हम नीचे से ऊपर की तरफ मर्ज करेंगे चीक्स की जो कंटोरिंग है। जॉ लाइन की मर्जिंग हम ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे नेक की तरह एंड दूसरी तरफ भी हम सेम तरीके से करेंगे। नोज की मर्जिंग गाइज हम ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, आईज से लिप्स की तरफ हम मर्ज कर रहे हैं गाइज। PAC नंबर 1.4 फाउंडेशन हम यूज कर रहे हैं सिर्फ हाइलाइटिंग एरिया पे, आईज के नीचे एंड नोज की टिप पे एंड लिप अपर लिप। उसके बाद हम यूज कर रहे हैं PAC का 1.5 जो कि न्यूट्रल टोन फाउंडेशन होता है। रेस्ट ऑफ द फेस जो भी बचा है हम कंटूरिंग एरिया छोड़ के एंड हाइलाइटिंग एरिया छोड़ के यूज कर रहे हैं। देन मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर को वॉश करने के बाद टैप करके हम अपने फाउंडेशन को मर्ज कर रहे हैं। ऐसे आप ड्राई टिश्यू लेके अपने ब्यूटी ब्लेंडर का एक्सेस निकाल सकते हैं, जितना भी फाउंडेशन बचता है वो आप अपने एक ड्राई टिश्यू पे निकाल सकते हैं। अगर हमारा ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा सा वेट रहेगा तो हमारा जो फाउंडेशन है वो अच्छे से मर्ज हो जाएगा एंड एक स्मूथ लुक देगा। देन हम कीको मिलानो का क्रीमी ब्लश ऑन लगा रहे हैं दोनों चीक्स पे एंड नोज पे, थोड़ा सा नोज के टिप पे एंड थोड़ा सा थ्रॉट पे भी। देन मर्जिंग ब्रश का यूज करते हुए हम अपने ब्लश ऑन को मर्ज करेंगे फाउंडेशन के साथ। मर्ज करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो ब्लश ऑन है वो ज्यादा फैले ना। देन PAC स्पॉटलाइट का 4 नंबर कॉम्पैक्ट हम यूज कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा स्किन टोन से डार्क है। सो ये डार्क कॉम्पैक्ट हम सिर्फ कंटूरिंग एरिया पे लगा रहे हैं, जहाँ पे मैंने कंटूरिंग करी है, जहाँ पे भी कंटूरिंग करी है वहाँ वहाँ मैं लगा रहा हूँ ताकि जो हमारा जो शेडिंग वर्क है वो परफेक्टली दिखाई दे। अगर हमारा शेडिंग वर्क परफेक्टली दिखाई देगा तो हमारा मेकअप और अच्छा निकल के आएगा। सो आपने सुना होगा कि मेकअप में शेडिंग बहुत ज़रूरी होती है, इस शेडिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप शेडिंग आपके जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका मेकअप निकल के आएगा। देन हम यूज़ कर रहे हैं मैक का कॉम्पैक्ट जो कि है NC35। NC35 गाइज न्यूट्रल टोन होता है, आप देख सकते हैं न्यूट्रल टोन पे ही मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड जो मैं लगा रहा हूँ वो सिर्फ आईज के नीचे सिर्फ हाईलाइटिंग एरिया पे लगा रहा हूँ शेडिंग के साथ। देन हम व्हाइट पेंसिल का यूज करते हुए थोड़ा सा काजल लगाएंगे जो कि हमारा काजल होगा बिल्कुल मिडल ऑफ द आई में। देन आईब्रो ब्रश का यूज करते हुए हम आईब्रो बना रहे हैं जो कि हमारी शेडिंग में हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं आउटर ऑफ द आई में ब्लैक होना चाहिए। नोज के पास आते आते आपकी जो आईब्रो है वो थोड़ा सा लाइट हो जानी चाहिए, ब्राउन के शेड में चली जानी चाहिए, इससे आपका जो आईब्रो है वो नेचुरल लगेगा। देन लिपस्टिक ब्रश का यूज करते हुए हम लिप्स की शेप बना रहे हैं, आप लिप्स की शेप अपने हिसाब से बना सकते हैं। सो लिप्स एकदम परफेक्ट मुझे लग रहे हैं तो लिप्स की शेप जैसी है मैं वैसे ही रहने दे रहा हूँ। आप अपने लिप्स की शेप की आउटलाइन ब्रश से भी कर सकते हैं एंड लिप पेंसिल से भी कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी कि हमारा फेस एकदम रेडी हो चुका है सिर्फ आई मेकअप छोड़ के। सो आई मेकअप भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी आई पे फाउंडेशन लगा के उसको मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद मैंने कॉम्पैक्ट लगाया है जो कि न्यूट्रल टोन का है, NC35 मैक कंपनी का। मर्जिंग ब्रश का यूज करते हुए मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रहा हूँ ब्राउन से जो कि मैं आउटर आई से लगा रहा हूँ एंड ब्राउन के साथ मैं थोड़ी सी ब्लैक की मर्जिंग भी कर रहा हूँ।
ताकि जो हमारी शेडिंग है वो परफेक्टली अच्छी दिखे। एज यू कैन सी पहले मैंने ब्राउन लगाया, देन फिर उसके बाद मैं ब्लैक की मर्जिंग कर रहा हूँ। थोड़ा सा शिमर का यूज़ करते हुए हम इनर आई पे उसको लगाएंगे। थोड़ा सा मैंने आईब्रो के नीचे भी लगा दिया है ताकि जो हमारी आईब्रो है वो थोड़ी सी डिफाइन हो जाए। देन टू वे जेल का यूज़ करते हुए हम आईबॉल पे लगाएंगे। टू वे जेल गाइस जितना ज़रूरी है उतना ही लगाएं, क्योंकि जो हमारा ग्लिटर होने वाला है वो टू वे जेल पे ही चिपकेगा। एज यू कैन सी कि मैंने आईबॉल पे लगाया था टू वे जेल, सो ग्लिटर भी हमारा टू वे जेल पे ही चिपका है, सिर्फ आईबॉल पे ही दिख रहा है। तो मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट लुक लेने की कोशिश की है। विद द हेल्प ऑफ बिग क्लीन ब्रश आई एम रिमूविंग द एक्सेस। क्रीमी लाइनर का यूज़ करते हुए मैं आई लाइनर लगा रहा हूँ, जो कि मैंने स्टार्ट किया है इनर आई से आउटर आई की तरफ। विद द हेल्प ऑफ PSA लूज पाउडर मैं अपनी आईज के नीचे जहाँ पर भी आपको लगता है कि क्रीज आ सकती है आप वहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। सो गाइज हमारा मेकअप एकदम कम्प्लीट हो चुका है एंड फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पार्टी मेकअप लुक ट्यूटोरियल, मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपका फेवरेट स्टेप क्या था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।